दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी जंक्शन एसोसिएशन में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज एक 4 BHK का फ्लैट ओनली 38 लाख रुपए विद लिफ्ट विद कार पार्किंग 80% लोन अवेलेबल। अगर हम इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की बात करें तो ये हमारी लोकेशन आती है मोहन गार्डन उत्तम नगर न्यू दिल्ली। अगर इस प्रॉपर्टी की हम सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ से हमारा जो नियर पड़ता है नवादा मेट्रो स्टेशन पड़ता है जो यहाँ से है 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, और वॉकिंग जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी पे। अगर हम इस प्रॉपर्टी के आसपास में स्कूल की बात करें तो वो स्कूल पड़ता है कमल मॉडल स्कूल, यहाँ पर है आपकी, इसकी एक ब्रांच और है सेक्टर 4 में है, और आपका एक गगन भारती जो स्कूल है वो भी यहाँ पास में है जो 250-300 मीटर की दूरी पे। एक 27 जो यहाँ बाजार लगते हैं सर, जो हफ्ते में 3 बाजार लगते हैं यहाँ, दिन तो मुझे याद नहीं है, पर डेली यूज की जो सब्जियाँ हैं वो ताज़ा आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इस फ्लैट के आसपास में मार्केट लगती है जो 3 बाजार लगते हैं हफ्ते में। और एक चीज़ और बता दूं यहाँ से, आपका ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है दोस्तों, अगर ये मेरी प्रॉपर्टी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम चलते हैं अपने बिल्डिंग जो है वो मेन एलिवेशन की तरफ। दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में नीचे, बाहर का आपने एलिवेशन देख ही लिया, और ये हमारी बिल्डिंग की पार्किंग है। और जो हमने साइज़ जैसे हमारा इसका है 45x40 का साइज है, और बहुत ही एक अलग हटके पार्किंग है इसमें। इसमें हमारे जो गेट दिए गए हैं पार्किंग के, 1, 2, 3, 4 गेट दिए गए हैं इसके अंदर टोटल बिल्डिंग के अंदर। और सबसे बढ़िया बेनिफिट इसके अंदर एक ही रहेगा, जो आप पार्किंग लगाएंगे गाड़ी के इस गेट के पीछे, खोलने के बाद आपकी 2 गाड़ियां लगती हैं, एक अंदर और एक यहां पर, इजीली लगेंगी आपकी गाड़ी, बड़ी कंफर्टेबल लगाएंगे आप, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी, इस गेट के पीछे एक गाड़ी के एक गाड़ी, ऐसे इस गेट के पीछे एक गाड़ी के एक गाड़ी, उस गेट के पीछे एक गाड़ी के एक गाड़ी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसमें आपको ज़्यादा गाड़ियाँ आगे पीछे नहीं करनी पड़ेंगी। नॉर्मली एक गाड़ी आप इतना तो आप कंफर्टेबल कर ही सकते हैं, एडजस्टमेंट के जैसे एक गाड़ी हटाई और एक निकल गई आपको, ये सबसे बड़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा। और जो हमारी पार्किंग है वो बड़ी काफ़ी सुंदर है, और काफ़ी अच्छी लाइटिंग इसके अंदर करी गई है जिसमें आप छोटे मोटे फंक्शन कर सकते हैं। और इसका जो टेरेस है उसकी तो लाजवाब बात है, उस पर तो आप जब मैं दिखाऊंगा तो आप अलग ही चीज़ देखेंगे, एक अलग चीज़ है इस प्रॉपर्टी की वो। और ये हमारी लिफ्ट है इसके साथ में, और ये हमारी सीढ़ियाँ हैं जो कॉमन है सभी के साथ में। तो ये हमारी नीचे की बातें हो गई। और इसमें एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड पानी अवेलेबल है, सीवर है अवेलेबल है, और ये जो हमारा फ्लैट है वो कार पार्किंग है, और हमारे इसमें 2 यूनिट बनाई गई हैं, 4 फ्लैट इस साइड 4 फ्लैट इस साइड, और सभी के साथ कार पार्किंग दी गई है, और ये लिफ्ट के साथ हमारा फ्लैट है। अभी हम चलते हैं अपनी बिल्डिंग के जो फ्लैट है उसकी मेन एलिवेशन की तरफ। अभी हम दोस्तों आ गए अपनी जो फ्लैट है उसकी मेन एंट्री पे, और इसकी अगर हम फेसिंग की बात करें तो ये जो हमारी फ्लैट की फेसिंग आती है वो है ईस्ट फेसिंग, और सभी फ्लैटों के साथ ईस्ट फेसिंग ही एंट्री पड़ेगी हमारे। इसके ये फ्लैट है, इसके साथ एक फ्लैट और है, तो इनकी सबकी ईस्ट फेसिंग एंट्री पड़ेगी। और अभी हम फ्लैट के जैसे ही एंट्री करेंगे सीधा हम लिविंग एरिया में एंट्री करेंगे, और ये हमारा लिविंग एरिया है, काफ़ी सुंदर फ्लैट है ये, काफ़ी अच्छा है। और अगर हम लिविंग एरिया के साइज़ की बात करें तो ये हमारा 11x15 का साइज है। और मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल गाइड करना चाहता हूँ, जो हम ये साइज़ बता रहे हैं वो 100% वेरीफाई है, और ये अंडर साइज है, बॉल्स इसमें अलग है, बॉल्स लगाएंगे तो वो एक एक आधा फुट और बढ़ जाएगा साइज, बट ये हमारा जो हम साइज बताते हैं वो 100% वेरीफाई होता है, और ये अंडर साइज होता है। और जो हमारा लिविंग है वो इस आपका जो मैं बता ही चुका हूँ आपको 11x15 का है, काफ़ी सुंदर फ्लैट है ये हमारा। और हम अब जो लिविंग के साथ हमारी जो कनेक्टिविटी है इसमें, जैसे मॉडुलर किचन है, और आपका एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है, और एक ये बेडरूम है, और एक इस साइड बेडरूम है, तो हमारे 4 बेडरूम इससे कनेक्टेड है। और ये हमारा जो LCD का पैनल है वो काफ़ी सुंदर इसके अंदर दिया गया है, जिसका शायद है हमारा 6x7 का ये LCD पैनल बनाया गया है, जिस पर आप अपने मन मुताबिक LCD असेंबल कर सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग। और ये हमारी ऊपर जो लाइटिंग है वो सारी 3D लाइटिंग है, जो वॉलपेपर है इसके अंदर वो 3D सारे लगाए गए हैं, झूमर है इसके अंदर, फैंस है, और हमारा इसके अंदर एक चीज़ और बता दूँ, AC की फिटिंग भी साथ दी गई है, और कॉर्नर्स में कुछ वुडन के डिज़ाइन करा गया है ये भी इसके अंदर है, और सारे गेटों में हमारे कॉटन्स लगाए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, फैंस वगैरह। अभी मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ रूम बाय रूम, फर्स्ट मास्टर बेडरूम में ही चलूँगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है,
ये हमारा मास्टर बेडरूम होगा जिसमें कॉटन्स वगैरह साथ दिए गए हैं, और ये एलसीडी पैनल हो गया इसके साथ में, और ये हमारी वुडन डोर हो गई, इसके अंदर शायद लॉक लगा रखा है, तो ये डोर वुडन अलमीरा हो गई आपकी, एलसीडी पैनल हो गया, और ये इसके साथ अटैच वॉशरूम हो गया जिसका साइज है 4x7 का। प्रॉपर इसमें सैनिटरी अच्छी क्वालिटी के आइसिस मार्की लगाई गई है सारी, और ये वेंटिलेशन है, सावर है, और ये वाश बेसिन है, इसमें जो टोटियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले बेडरूम में। ये हमारा बेडरूम है अगला, जिसका साइज हमारा रखा गया है हमने वो है 11x9 का साइज है का। इसकी जो डोर खुलता है वो बालकोनी में खुलता है, और इसके अंदर जो फॉल सीलिंग दी गई है वो काफ़ी अच्छी डिजाइन की दी गई है, और ये हमारे जो वॉलपेपर लगाए गए हैं वो 3D वॉलपेपर हैं, और ये हमारे कॉटन्स इसके अंदर लगाए गए हैं। इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये विंडो है सारी इसके अंदर लगाई गई हैं, और ये हमारा इसका डोर है, ये हमारा बालकोनी पे खुलता है, बालकोनी स्पेस हमारा काफ़ी अच्छा है। ये वॉशिंग मशीन का एरिया है सेपरेट, यहाँ पावर पॉइंट दिया गया है, और ये बालकोनी स्पेस हमारा काफ़ी अच्छा है। अभी हम अगले बेडरूम में चलते हैं जो हमारा थर्ड बेडरूम है। ये हमारा अगला बेडरूम है, ये भी हमारा इसके साथ दिया गया है, ये 11x9 का है। ये सारे साइज हैं वो अंडर साइज हैं, 4BH में इतना कंफर्टेबल साइज 4BH में निकलना ये एक अलग ही चीज़ होती है। और इसमें जो लाइट है, LCD पैनल है, ये सभी रूमों के साथ अटैच दिए गए हैं, कॉटन्स वगैरह डिज़ाइन सारे इसके अंदर दिए गए हैं, वॉल पेपर। और एक चीज़ और बता दो, इसमें भी हमारी स्प्रिट AC की फिटिंग है ये रही, और इसमें हमारा ये साफट जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर दिया गया है। अभी हम लास्ट चौथा बेडरूम है उसमें चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको बीच में, एक हमारी वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं। हमारी वेबसाइट है www.propertyjunctionassociates.com, जिस पर जाके आप अपने मन मुताबिक रिक्वायरमेंट अपनी सर्च कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1BH, 2BH, 3BH, 4BH, जिस पर आप बहुत सारे ऑप्शन अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं, और उस पर आपको हर बजट में प्रॉपर्टी मिलेगी। शायद इस बजट की प्रॉपर्टी तो उसमें और नहीं होगी जितना इसमें चीज़ पे प्राइस रखा गया हमने इस फ्लैट के अंदर। और ये हमारा मॉडलर किचन है इसके साथ में, जिसमें हमारे अच्छे खासे वुडन्स हैं, और ये अपना चिमनी लगाई गई हॉपर्स, इसमें अपना ये RO भी साथ में हम दे रहे हैं इसके, ये भी इसके साथ है। और ये ड्रॉर्स जो मॉडलर है वो काफ़ी अच्छा है, स्टोरेज साइज इसका, ये बहुत सारे इसके अंदर ड्रॉर्स लगाए गए हैं, और ऊपर कम्फर्टेबल जो अपना साइज है वो काफ़ी अच्छा किचन का निकाला गया है इस फ्लैट के साथ में। तो अभी हम चलते हैं अगले बेडरूम में। ये हमारा लास्ट 4 बेडरूम है, ये बच्चों का बेडरूम है, आप जैसे भी इसको चाहें अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमारा LCD पैनल है, वुडन अलमीरा है, फ़ैन है, हर एक रूम में कॉटन्स है, वेंटिलेशन इसमें प्रॉपर दिया गया है, साफट भी इसके अंदर भी है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत अलग हटके हैं, और कुछ भी आपका इसको अलग हटके सवाल है प्रॉपर्टी को लेकर, अगर कोई भी आपके मन में सवाल चल रहा है तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9233109796, जिस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर सेम है जिस पर आप अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मकसद है इस प्रॉपर्टी को दिखाने का था, यही था। ये सॉरी, इसमें एक चीज़ और बता दूँ, ये कॉमन हमारा वॉशरूम है, ये सभी के साथ है, तो इसका भी साइज वही सेम 4x7 का है, काफ़ी अच्छा साइज है इसके अंदर। तो अभी हम अब जो एक इसमें यूनिक चीज़ लेकर आए हैं वो इस बिल्डिंग के अंदर हम गार्डन दे रहे हैं टेरेस पे बना के, वो सभी के कोमल रहेगा, और उसको हम ऊपर चल के अभी हम दिखाते हैं। अभी चलते हैं हम अपने टेरेस की तरफ। मैं तो अभी हम आ गए हैं अपनी बिल्डिंग की टेरेस पे। इस बार हमारा एक अलग ही रीजन है टेरेस पे लाने का, वो एक अलग मकसद है। हर बार हम टेरेस पे लेकर आते हैं आपको यहाँ से मेट्रो दिखाने के लिए और रोड दिखाने के लिए। इस बार हम ये जो प्रॉपर्टी लेके आए वो मेट्रो से 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर है, तो इसलिए हम मेट्रो नहीं दिखा सकते, यहाँ से नहीं दिखेगी। बट रीज़न कुछ अलग है, इस बार एक नई चीज़ लेकर आए हैं आपको। ये जो टेरेस है हमारी बिल्डिंग की वो कॉमन है, सभी फ्लैटों के साथ है, किसी एक को सेपरेट नहीं दी गई है, और ये सभी फ्लैटों के साथ रहेगी। और इस पर हमने एक नई यूनिक चीज़ लेकर आए हैं, वो है गार्डन।
यहाँ आपको बेसिकली उत्तम नगर में कहीं पर गार्डन नहीं जल्दी मिलते, तो इसलिए अब हम एक अलग यूनिक चीज लेकर आए हैं। इस पर गार्डन बनाया गया है और बहुत ही सुंदर गार्डन है ये। और जो हमारी प्रॉपर्टी का साइज है वो 45x40 है, 200 गज की प्रॉपर्टी है जो हमारी लैंड है, जिसपे हमने ये प्रॉपर गार्डन बनाया गया है, जिसपे आप सभी लोग इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन है, प्रॉपर अच्छा स्पेस है इसके अंदर। गमले वगैरह ऊपर सारे लगाए गए हैं इसके अंदर, और जो टंकियां हैं इसकी वो सेपरेट लगाई गई हैं, एक तरफ सेपरेट है। इस पर अभी बच्चों के झूले हैं और नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें लगनी है, स्टील की टेबल वगैरह हैं वो भी सारी इस पर आएंगी। तो इसीलिए मैं एक अलग चीज़ लेकर आए हैं आपके लिए, एक यूनिक चीज़ है ये, बढ़िया है, अलग गार्डन है। और ये टंकियाँ हो गई हमारी इस साइड की, मैं आपको और दिखा देता हूँ। इस साइड में हमारी इस जो चार फ्लैट है उनकी टंकियाँ इस साइड है, चार फ्लैटों की उस साइड है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है इस पर टोटल हमारे 8 फ्लैट हैं, एक चार फ्लैट उस साइड, चार फ्लैट इस साइड, टोटल इसमें जो बिल्डिंग बनाए गए हैं हमारे वो 8 फ्लैट बनाए गए हैं। और ये 8 फ्लैटों के साथ में गार्डन दिया गया है और बहुत ही सुंदर इसको सजाया जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमारी कैसी लगी ये दोस्तों आपके लाइक और शेयर बताएंगे, और थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।